हैं आप लोग? आई होप सभी हेल्दी और अच्छे रहेंगे। तो लास्ट वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा कैसे मेरी चेन जो थी रोड में गिर चुकी थी और मैं और रुपेश ब्रो ढूंढने गए थे, उसको फाइनली मिल चुकी थी। तो अभी का जो सीन है, हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ, नंदी टू होम। तो बहुत ज़्यादा बेकार सीन हो गया था यार, बहुत ज़्यादा। और तो यहाँ पे सुबह सुबह में पुलिस की चेकिंग, तो अभी सीन क्या है, हम लोग आए थे वहाँ से, फिर हमको एक गैरेज दिखा, उधर जाके रोके हम लोगों ने, और उधर उसने कुछ जुगाड़ करके दिया है। ज़्यादा स्पीड नहीं जा सकते, 50-60 उससे ऊपर नहीं, तो इसलिए सोचा। और कैमरा भी बंद हो चुका था मेरा, तो आउट ऑफ बैटरी। तो मैंने रूपेश ब्रो का Insta 360 लेके मैं बोला यार उससे स्टार्ट करते हैं, सबसे बेस्ट। वैसे भी रूपेश ब्रो यूज नहीं कर रहे थे, सोचा मैं ही कर लेता हूँ। ऑडियो क्वालिटी थोड़ी बहुत रहेगी, अगर ऐसा नहीं रहेगा तो वॉइस ओवर तो दे ही देंगे यार। तो थोड़े बहुत खराब सीन्स हो चुके थे इस वाली राइड पे। भाई चेन यार रोल ऑन का डाला था मैंने, लोकल ब्रांड भी नहीं डाला, ना कि बेनेली का डाला यार। रोल ऑन का ब्रांड डाला तो भी सेम चेन, सब कुछ करने के बाद अगर ऐसा सब कुछ होता है ना यार, उसको क्या बोले यार, कर्मा है यार, क्या बताए यार। सब कुछ करने के बाद इतना सब कुछ होता है तो सबसे बेस्ट था कि उसके हल दिया वगैरह सब कुछ आगे जा रही है। मैं भाई क्या करूं यार, कंट्रोल करना पड़ता है यार, कंट्रोल। ज्यादा स्पीड जा भी नहीं सकता, अच्छा व्लॉग बना भी नहीं सकता। अरे भाई किस्मत मेरी जो है ना, भगवान ने फुर्सत में लिखी है भाई, कि भाई मुकेश के लाइफ में इतनी इतनी टेंशन डालनी है तो डालनी है, वीकडेज पे एवरी सैटरडे संडे सम प्रॉब्लम मुकेश के लाइफ में डालो यार, दबा के डालो। क्या यार बैड लक मैन, कब ऊपर उठाएगा यार, कब ऊपर
भी तो लिफ्ट करा दे, वो वाला सीन कर दो यार। Bye bye man.